हे hey, दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशीष, आप देख रहे हैं ऐश क्रिएशंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि गूगल निक कलेक्शन कैसे डाउनलोड करते हैं। काफ़ी आसान है, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम लिखेंगे www.google.com/nickcollection। ये लिंक मैं एड्रेस मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, और हम एंटर करेंगे। काफ़ी सिंपल है, बस फिर यहाँ जाके बस डाउनलोड का बटन दबा देना है। मैं डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी कर रखा है। ओके, इसमें आपको बेसिकली दिखा इसमें आप इन फिल्टर्स में आपको बेसिकली 1, 4, 7 तरह के फिल्टर्स दे रखे हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। एनालॉग इफेक्ट्स प्रो सिल्वर, इफेक्ट्स प्रो HDR, डिफाइन, विवेजा, शार्पन प्रो, कलर इफेक्ट्स प्रो। आप इनका डिटेल में जाके देख पढ़ भी सकते हैं, तो ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हम आगे की तरफ पढ़ते हैं। जब हम इसको डाउनलोड कर लेंगे दोस्तों, तो हमारे सामने सीधा ये फोल्डर आ जाएगा निक कलेक्शन करके। हम इस पर क्लिक करेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं टाइम लगा रहा थोड़ा इंस्टॉल होने में। जब ये इंस्टॉल हो जाएगा, देख सकते हैं आप के अब जैसे कि देख सकते हैं आप इसको फोटोशॉप या लाइटरूम किसी के साथ भी मर्ज कर सकते हैं, दोनों के साथ भी मर्ज कर सकते हैं। जैसे कि हम इसको फोटोशॉप के साथ मर्ज करते हैं, फोटोशॉप CC के साथ इंस्टॉल करेंगे। सो फाइनली ये इंस्टॉल हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो मैं फिनिश कर देता हूँ क्लिक करके। तो बस दोस्तों, आप सभी का काम हो गया है। अब आप बस फोटोशॉप खोलिए। तो सबसे पहले तो हम ये शॉर्टकट किए वैसे तो इसका, सबसे पहले हम फिल्टर्स में जाएंगे, और ये जैसे कि आप देख सकते हैं निक कलेक्शन के जितने भी थे सातों के सातों फिल्टर्स आ गए। आप किसी पे भी क्लिक करके देख सकते हैं, आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं इधर बहुत सारे इफेक्ट है, और भी काफ़ी इफेक्ट्स है। तो यही था दोस्तों, शुक्रिया। आप सभी ने वीडियो देखी, थैंक यू सो मच। कुछ भी क्वेरी हो, कुछ भी हो, तो नीचे आप कमेंट करना ना भूलें, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।